लास्ट टर्न में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हेलो, आवाज सुनाई दे रही ना बेटा? हेलो, देखो कोरिलेशन, हमने क्या कहा था? इन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में इफ चेंज इन वन वेरिएबल एफेक्ट ए चेंज इन द अदर वेरिएबल, तो हम उसको क्या कहते थे? द वेरिएबल आर सेट टू बी कोरिलेटेड। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया था ना? अगर एक वेरिएबल में हम चेंज करते हैं दूसरा भी चेंज होता है, देन इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल बताओ क्या था? देखो पीडीएफ देखो ना, बताओ। द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, मींस हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाता है? हेलो, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है ना? आवाज सुनाई दे रही सबको? समझ में आ गया था ना? ऐसे ही नेगेटिव कोरिलेशन बोलो, उसका एग्जांपल द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी कमोडिटी की है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? घट जाएगी, तो उसको हम कहते थे नेगेटिव कोरिलेशन। एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन। इफ टू वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अनकोरिलेटेड, या उनका कोरिलेशन क्या होगा? जीरो। क्लियर? उसका फॉर्मूला हमने फाइंड कर दिया था लास्ट टर्न में, आर ऑफ एक्स वाई से डिनोट करो, या दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, और किसी बुक में आर एक्स वाई होगा, किसी बुक में किस स्मॉल आर होगा, या दैट इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला उसका? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्लियर हो गया था? उसका डेरिवेशन हमने फाइंड कर लिया था। इतना सबको समझ में आ गया था ना? हेलो, अब देखो नेक्स्ट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट। जो पीडीएफ सबने खोली होगी ना? हेलो, पीडीएफ फाइल सबने खोली है? ठीक है, देखो फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ए प्योर नंबर। जो कोरिलेशन कोफिशियंट होगा वो क्या होता है? प्योर नंबर, मींस इट हैज नो यूनिट। क्लियर? नंबर सेकेंड, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन कोफिशियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो मींस हमने क्या प्रूव करना है? कोरिलेशन कोफिशियंट, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है, तो उनका जो कोरिलेशन कोफिशियंट आर एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो हमने प्रूव करना है आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आर ऑफ यू वी, मीन्स इंडिपेंडेंट है स्केल और किसमें? चेंज में, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो आर एक्स वाई हमने प्रूव करना है इक्वल टू आर ऑफ यू बी। इसका प्रूफ देख लो, करें स्टार्ट करें। हेलो, ठीक है, देखो प्रूफ देखो, लेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अप टू सोन एक्स एन वाई एन बी ए सेट ऑफ स्मॉल एन ऑब्जर्वेशन ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स एंड वाई। क्लियर?
इफ वी डिनोट द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई बाई आर ऑफ एक्स वाई, दो का हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं आर एक्स वाई से, देन कोरिलेशन कोफिशियंट आर ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या दैट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडरूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडरूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट के, क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, अब हम मान के चल रहे हैं, देखो हमने u कोई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, तो मींस लेट अस कंसीडर u इज इक्वल टू, हमने माना x माइनस a अपॉन h एंड v इज इक्वल टू y माइनस कैपिटल b अपॉन k, वेयर a b k एंड h आर कॉन्स्टेंट्स है हमारे, क्लियर हो गया? देन x की वैल्यू हो गई a प्लस एच यू एंड y इज इक्वल टू b प्लस वी के, वेयर h एंड k जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, क्लियर? अब हमने प्रूव करना है, वी सेल टू प्रूव आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ यू वी, क्लियर है? पीडीएफ सबने खोली है ना? हेलो, पीडीएफ फाइल सबने खोली है? ठीक है, देन उसका मीन भी क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यू है, implies that x bar जो mean of x that is equal to a plus h into u bar and y bar is equal to b plus k into v bar and variance of x, variance of कोई constant term है तो उसका variance, variance of ax का formula क्या होता है, a square into variance of x, ये तुमने class फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये मिल गया हमें, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट का वेरिएंस जीरो, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ यू एंड वेरिएंस ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ वी, बिकॉज वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म सपोज ए एक्स है उसका वेरियंस होता है ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म वेरियंस ऑफ सी दैट इज इक्वल टू जीरो, क्लियर? इतना समझ में आ गया सबके? हेलो, अब देखो अब हम निकाल लें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वी नो दैट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, या दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस expectation of x into y minus expectation of y, therefore expectation of x हमें मिल गया a plus h into expectation of u, क्योंकि constant term का expectation हमेशा constant होता है, clear? ऐसे ही expectation of y that is equal to b plus k into expectation of v, clear? इतना समझ में आ गया? हेलो, अब देखो therefore x minus expectation of x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x minus expectation of x that is equal to a plus hu minus a minus h into expectation of u, ए से ए कैंसिल हो गया, एच कॉमन ले लो दैट इज इक्वल टू एच इंटू यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू,
ऐसे ही वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी। क्लियर, क्लियर है इतना? Therefore, covariance of xy, that is equal to, हमें मिल गया फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, that is equal to expectation of h into u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u into k v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v, that is equal to h और k कॉन्स्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन से उसको बाहर रख लो, that is equal to hk into expectation of u minus expectation of u or v minus expectation of v, ye formula ho gaya covariance of u v ka, that is equal to hk into covariance of u v, put this value in above equation first, equation first mein ye value put out rakh do, therefore r of xy that is equal to हमें मिल गया covariance of xy की वैल्यू रख दो, that is equal to hk covariance of uv divided by under root of h square into variance of u into under root of k square into variance of v, that is equal to hk covariance of uv divided by hk into sigma u sigma v, means standard deviation of u and standard deviation of v, that is equal to covariance of uv divided by under root of variance of u into under root of variance of v, ye kiska formula ho gaya, covariance of correlation coefficient of uv, that is equal to r of uv, so implies that hame mil gaya rxy that is equal to r of uv, so means so we conclude that correlation coefficient is independent of change of origin and scale, so means rxy is equal to ruv ke equal aa gaya, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच और के में इंडिपेंडेंट है, तब हमें क्या मिल गया आर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आर ऑफ यू बी। क्लियर, समझ में आ गया ना इतना सबको? हेलो, आवाज सुनाई दे रही आप लोगों को? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना, समझ में आ गया? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, देखो तो ये कंडीशन होगी आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी जब बोथ एच एंड के जो हमारे स्केल है वो सेम साइन के होंगे, एच एंड के आर सेम साइन एंड आर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आर यू वी जब एच और के हमारे सेम साइन के हैं और माइनस आर यू वी इफ एच एंड के आर ऑफ अपोजिट साइन। क्लियर, तो मींस इंप्लाइज दैट हमें मिल गया आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ यू वाई। चलो इतना समझ में आ गया ना ये वाला डेरिवेशन? इतना ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हेलो, ठीक है, चलो आज इतना कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कल डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस के लिए मैं गूगल फॉर्म आपको भेजूंगा, वो सबमिट करके शाम तक मेरे को भेज देना, ठीक है ना? ये
ग्रुप में भेज दे रहा हूं अटेंडेंस का, जो जो आज की क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, चलो ओके।